या जो मैं फर्स्ट टाइम महाकाली माता में कलर होती हुई देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक और नवरात्रि अपडेट वीडियो। सो आज की जो वीडियो है, मैं आया हूँ बबलू मूर्तिकार भैया के पंडाल में। यहाँ पर आज हो रहा है माता महाकाली में कलर। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो दो देखी थी जो कि मैंने इस पंडाल की बनाई थी, यहाँ पर 6 महाकाली जी बन रही है। एक है शक्तिनगर की, एक है गढ़ा की और है जो 4 जो अलग अलग जगह की हैं। सो आज के जो दिन है गाइस, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम महाकाली माता में कलर होती हुई देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। सो उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये माता का प्यारा शॉर्ट वीडियो एंजॉय कीजिए, फिर मैं आपको माता का पूरा रूप दिखाता हूँ। तो गाइस आप ये देख रहे हैं, ये हमारे शक्तिनगर की महाकाली जी जिनमें कि कलर स्टार्ट हो गया है। और एक और ये महाकाली जी हैं, इनमें भी कलर स्टार्ट है। ये हमारे बबलू भैया जो कि इस पंडाल के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलेंगी 6 महाकाली जी। एक ये हैं, एक ये हैं, एक ये शक्तिनगर की पीछे गढ़ा वाली है, ये परसवाड़ा की है और एक ये छोटी वाली महाकाली जी। टोटल यहाँ पर 6 महाकाली जी हैं। ये हैं हमारी शक्तिनगर की महाकाली जी, ये हैं दमोह की, ये हैं रांझी की, ये है परसवाड़ा की और जो शक्तिनगर की महाकाली जी के पीछे एक महाकाली जी है वो है गढ़ा बाजार की। ये वाली महाकाली जी है जो है दमोह की, ये एक दिन पहले चले जाएंगी। और जो शक्तिनगर वाली महाकाली जी हैं, ये जाना है सेम उसी दिन जिस दिन से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सुबह 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा माता को यहाँ से ले जाने का, यानी कि अपने स्थान ले जाने का। तो आप ये देख सकते हैं, मतलब जितनी भी सारी की सारी मूर्तियाँ हैं कुछ एक दिन पहले चली जाएँगी और कुछ बैठकी वाले दिन ही जाएँगी। सो माता में बहुत ही ज़ोरों से काम चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये स्केलेटन में काम चल रहा है, जो माता के गले में एक माला डली हुई है स्केलेटन की। तो ये कुछ नया लुक देखने को मिला है क्योंकि अभी तक जितने भी स्केलेटन में देखे आया हूँ, ये वाइट में देखा हूँ, रेड में देखा हूँ, ये पहला ऐसा स्केलेटन मैं देख रहा हूँ जो माता के गले में एक जो माला पड़ी हुई है वो पिंक है, बेबी पिंक कलर का है और इसी में रेड कलर होगा, ब्लैक कलर होगा, तो देखने लायक होगा। गाइस माता में ब्लैक कलर हो गया है, माउथ में भी और जीभ में भी रेड कलर हो चुका है, आइज़ में होना बाकी है। तो आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ शक्तिनगर की महाकाली जी का। और जब आइज़ कंप्लीट हो जाएगी तो वो रौद्र रूप जो माता का दिखेगा ना, वो देखने लायक ही होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो महाकाली जी हैं, ये हैं दमोह की जो कि एक दिन पहले चली जाएंगी। तो आप ये देखिए, उसमें काम चल रहा है बबलू, ये उसमें कलरिंग का काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, और इस साइड भी माता में ब्लैक कलर का काम शुरू हो चुका है। तो ये हमारे भाई लगे हुए हैं, मतलब टोटल अब सारी माताओं में ब्लैक कलर का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे रेड होगा, फिर गोल्डन होगा, फिर आइज़ में काम होगा। और जो इनकी जो हाइट है गाइस, ये 15 फुट है। इनके पीछे जो माता रखी हैं वो भी गढ़ा बाजार की, उनकी भी हाइट 15 फुट है। बाकी ये जो 3 माता हैं इनकी भी हाइट लगभग 10 से 12 फुट के आसपास है। तो ये देखिए उनके माउथ के अंदर जो रेड कलर हो रहा है, तो आप वो देखिए। ये हैं पीछे वाली जो शक्तिनगर की महाकाली जी हैं और एक में बबलू भैया जी,
काम कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज का, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम माता में कलर होते हुए देख रहा हूँ और आपको भी दिखा पा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी मूर्ति में कलर होते हुए नहीं देखा है, हाँ बनते हुए देखा है लेकिन कलर होते हुए नहीं देखा है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ये आप भी देखिए और मैं भी देखता हूँ। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं शक्तिनगर की महाकाली जी को तैयार करने में काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। ये पीछे साइड हमारे बबलू भैया हैं और ये भाई स्केलेटन यानी कंकाल को तैयार करने काम कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कुछ नया कलर देखने को मिला है मेरे को इसमें, पिंक कलर तो ऐसा सब में होगा, फिर इसका रेड होगा। यहाँ पे चारों तरफ महाकाली महाकाली जी हैं, ये शक्तिनगर की महाकाली जी। बाकी आप देखिए, और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, ज़रा सी जगह पर खड़ा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं मतलब छह महाकाली जी एक ही पंडाल में तैयार हो रही हैं। तो आप ये देखिए और कलर का काम भी स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये शक्तिनगर की महाकाली जी, महाकाली जी में कलर का काम स्टार्ट हो चुका है। और भी जितनी महाकाली जी हैं इस पंडाल में, मतलब छह महाकाली जी में से पाँच महाकाली जी में कलर का काम स्टार्ट हो चुका है। और शक्तिनगर की महाकाली जी में अभी स्केलेटन में कलर का काम चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ब्लैक और रेड कलर का काम पूरा हो चुका हैगा। अब जो आइस का काम है माता की वो नाइट तक हो जाएगा, मतलब कल या परसों तक माता पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगी, फिर माता को लेके जाया जाएगा बैठकी वाले दिन ही। बैठकी वाले दिन सुबह 8 या 9 बजे से माता को यहाँ से मूर्ति पंडाल से अपने स्थान पर लेके जाया जाएगा। जो यहाँ की समिति है शक्तिनगर महाकाली जो समिति है, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही धूमधाम तरीके से माता को यहाँ से लेके जाती हैं, और उस दिन का जो नज़ारा होता है इस देखने लायक होता है। और उसके बाद काफ़ी सारे प्रोग्राम उस जगह पे होंगे यहाँ जहाँ पे शक्ति माता जी को विराजमान किया जाएगा, हमारी महाकाली जी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल अपने प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, अब मैं मिलूँगा आपको 26 को नवरात्रि वाले दिन। सो तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, खुश रहें, एंजॉय।